खबर सबसे पहले देहरादून से, जहां पर 13 फरवरी को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सम्मेलन करने वाले हैं। तो इस सम्मेलन में विधायक और मंत्री हिस्सा लेंगे, जहां विकास और योजनाओं पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही विधायकों से जिले के विकास को लेकर फीडबैक भी लिया जाना है। तो आपको बता दें कि मार्च में सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं और इसी को देखते हुए फिलहाल 3 साल में जो कुछ काम हुए हैं, किस तरह से उत्तराखंड का जो विकास है वो किस गति से आगे बढ़ रहा है और कहां कहां कितना विकास हुआ है, इसको लेकर जानकारी फीडबैक यहां पर विधायकों से लिया जाएगा हर एक जिले को लेकर। तो एक सम्मेलन 13 फरवरी को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करने वाले हैं और इसमें जहां विधायक शामिल होंगे तो वहीं मंत्री भी शामिल होंगे। विकास पर और कई योजनाओं को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। तो जिले के विकास का फीडबैक भी लिया जाना है। तो आपको बता दें कि 3 साल सरकार को हो गए हैं अपना कार्यकाल पूरा किए हुए और 3 साल में कितना कुछ यहाँ पर उत्तराखंड की सरकार आगे बढ़ी है और प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ विकास के काम किए हैं, क्या कुछ योजनाएं लाई गई हैं, उन्हीं को लेकर यहाँ पर ये फीडबैक लिया जाएगा। तो चिंतन मंथन किया जाना है विकास और योजनाओं को लेकर। देखिए, मैं सोचता हूँ इस तरह मंथन होते रहने चाहिए, विकास को गति मिलती है। कहीं कोई खामियां हैं, कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्रदेश के हैं तो उनको गति मिलती है और ये इस तरह के काम होते रहने चाहिए। समय रहते ये लगा कि ऐसा करना चाहिए। जहाँ तक तालमेल की बात है, मैं समझता हूँ कि सरकार और संगठन, मुख्यमंत्री और मंत्री, सबका अच्छा तालमेल है, अच्छे ढंग से सब चल रहे हैं। और कहीं पर बड़ा परिवार होने के कारण संगठन में कहीं कोई बात आती तो उसको बैठ के हल किया जाता है। चलो देर आए, हम कह देंगे दुरुस्त आए, मगर आए तो सही है, अभी तो आ ही नहीं रही है। भाजपा कहीं जनता के द्वार नहीं हो तो जनता को अपने दरवाजे बांधना चाहती है। ये तो सत्ता के, भाजपा लोग के लोग अहंकार में हैं। त्रिवेंद्र सिंह तो तब भी जरा पहाड़ी आदमी है, मगर ये तो दिल्ली से लेकर के जहाँ भी सत्ता में है अहंकार ही अहंकार है। कि आखिरकार 3 साल में क्या कुछ काम किए हैं, तो वहीं अब सरकार 13 फरवरी को इसी पर चिंतन मंथन करने वाली है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, 3 साल हालांकि यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हर साल जो ब्यौरा है वो जनता के सामने रखें कि आपने क्या किया है अपने राज्य के लिए, और कह सकते हैं कि इसी के तहत यहां पर 13 फरवरी को सम्मेलन होने जा रहा है। ऋतु जी, आपने बिल्कुल सही कहा, 18 तारीख को, 18 मार्च को जो है प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। उससे पहले ही सरकार तमाम उन बिंदुओं पर जो प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है उसको लेकर चर्चा कर रही है। ऐसे में 13 तारीख को जो है वो तमाम विधायकों और जो बीजेपी के विधायक हैं और मंत्री और जो खुद मुख्यमंत्री उसमें मौजूद रहेंगे, उसमें बाकायदा तमाम जो अधिकारी हैं उसमें प्रेजेंटेशन भी देते हुए नजर आएंगे। कोशिश यही है सरकार की कि कहीं भी किसी की नाराजगी ना रहे, उनके क्षेत्र में क्या क्या काम होने हैं, अगले 2 साल का जो रोड मैप है उसको तैयार किया जाना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जनता के द्वार जाने की भी बात कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम जो है वो कैसे हमने 3 साल में काम किया है ये जनता तक बताने, अभी हम जो सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम है सरकार का, खुद मुख्यमंत्री जाएंगे जिलों में जाकर वहां पर रात्रि प्रवास भी मुख्यमंत्री करेंगे और वहां पर जो तमाम जिलों से जुड़ी हुई विकास की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण और उनको आगे किस तरीके से रोड मैप में शामिल किया जाए, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। तो कुल मिलाकर सरकार जो है वो इस समय रोड एकाएक तेजी के रोड मैप पर आ चुकी है और कोशिश ये भी होनी चाहिए, क्योंकि अब केवल चुनाव होने में 2 साल बचे हैं और यही साल जो है वो चुनाव, ये काम का साल होता है, आखिरी साल जो होता है वो चुनावी साल उसको ज्यादा कहा जाता है। उसमें जो भी घोषणाएं होंगी वो माना जाएगा कि सरकार चुनाव जीतने के लिए करने जा रही है। तो ऐसे में जनता की कोशिश यही होनी चाहिए सरकार की कि ये 3 साल पूरा होने के उसमें जो कुछ भी सरकार कर सके वो इस 1 साल के अंदर कर दे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कोशिश तो यहाँ पर रहेगी, रणनीति भी अभी से बनाने की कोशिश जारी है। लेकिन पंकज जी, ये बताइए, कई बार ऐसा होता है कि जब कई सालों का जो ब्यौरा जनता के सामने रखा जाता है और अगर कोई विभाग, कोई मंत्रालय से पीछे रह जाए तो फटकार भी लगती है और कई विस्तार भी यहाँ पर होते हैं मंत्रिमंडल में, तो क्या फेरबदल होने की संभावना है इसके बाद? बिल्कुल आपने सही कहा ऋतु जी, क्योंकि
फेरबदल मंत्रिमंडल में उसको तो जैसे ही 11 तारीख यानी 11 फरवरी के बाद जैसे ही दिल्ली का फैसला आएगा उसके बाद उम्मीद है कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल में फेरबदल हो और 3 कुर्सियां जो खाली हैं वो भरी जाए। इसके अलावा जो तमाम ब्यूरो अधिकारियों को देने हैं जहां पर कमी नजर आएगी मुख्यमंत्री को वहां पर अधिकारियों को फटकार भी लगनी लगभग तय मानी जा रही है। और इसीलिए मुख्यमंत्री का माना जा रहा है कि उन्होंने लगभग वो लिस्ट तैयार कर ली है जिसमें वो आने वाले 2 साल के लिए अपने अधिकारियों को कसने जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि जल्द ही सचिवालय में कई फेरबदल भी नजर आ सकते हैं। चलिए धन्यवाद आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।